हेलो फ्रेंड्स, आज मैंने बनाई है दाल ढोकली या दाल का दूल्हा कहीं कहीं भी बोलते हैं। ये आज दाल ढोकली बनाएंगे तो इसके लिए मैंने तुअर या अरहर की दाल को ले लिया है और अब इसको धो के आधे घंटे भिगो के रख देंगे। तुअर की दाल को अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसके अंदर मैंने ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जो कूट लिया है, वो भी दाल बॉईल करते समय डाल देंगे। और ये मैं हमेशा दाल में बॉईल करते समय क्रश की हुई मेथी डालती हूँ, तो ये मेथी डाली है। और इसके अंदर लगे हाथ एक टमाटर भी डाल देते हैं। और अब अपने ये गया एक टमाटर, तो टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से बॉईल होके बढ़िया सा एक रस होता है। और अब अपने ढक्कन ढक के इसको होने देते हैं 1 सीटी मार के 15-20 मिनट के लिए, अच्छे से जब तक दाल कुक नहीं हो जाती। ये दाल ढोकली बनाने के लिए जो उसके अंदर ढोकली या टिकिया डालेंगे, तो उसके लिए मैंने ये एक कटोरी आटा ले लिया है। उसके अंदर ये डालेंगे मिर्ची, हल्दी, धनिया, ये सब 1-1 टीस्पून है, और 1/4 टीस्पून हींग है, ये 1 टीस्पून अजवाइन है। नमक स्वादानुसार डालेंगे, तेल थोड़ा मोयन के लिए डालेंगे। तो बस ये सब चीज़ें अब अपने डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो अपने डालेंगे मोयन, मोयन बहुत ज़्यादा नहीं डालना है बस। तो ये अपना गया मोयन। इसके बाद इसके अंदर ये अपना अजवाइन है, इसको क्रश करके अजवाइन डालेंगे। और ये डालेंगे मिर्ची, हल्दी, धनिया, हींग, और नमक डालेंगे स्वादानुसार। और इसके अंदर मैं थोड़ा डालूँगी फ्रेश धनिया, ये टोटली ऑप्शनल है पर मुझे बहुत पसंद है और ऐसे हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो बस ये, और अब अपने इसको अच्छे से मिक्स करके इसका बढ़िया सा मीडियम टाइट डो लगा लेते हैं। तो अपने आटे को थोड़ा थोड़ा पानी लेके गूंथ लेंगे। अब अपने ये आटा गूंथ लिया है और इसको अभी 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। अब अपना ये आटा 10 मिनट हो गया है रेस्ट दिए हुए, इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल के और इसकी छोटी 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 नहीं बड़ी लोई काटेंगे इस तरह से। और इसको अपने अटामन लेके बेल लेते हैं, पहले बड़ी सी रोटी बेलेंगे इसकी। अब अपने इसमें ये थोड़ा परथन लेके बेलते हैं। इसको बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करना है और बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं रखना है, मीडियम थिक रखना है। तो ये देखिए अपनी ये रोटी बेल के रेडी हो गई है। अब इसको कट लगा लेंगे। इस तरह से आप चाहें तो ये पीसीस जो ये हैं इसको डायरेक्ट ही ऐसे डाल सकते हैं उबलती हुई दाल में। और अगर ये देखिए ये दोनों कॉर्नर इधर से ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेस कर देने का, तो ये थोड़ा कटोरी जैसा सेफ हो जाएगा, तो इसके अंदर थोड़ी दाल भरेगी, तो ये खाने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो और आप चाहें तो ये टिकिया को सीधी ऐसे ही डाल सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह से बनाऊंगी और कुछ ऐसे ही प्लेन रखूंगी। तो इस तरह से अपने सारी टिकिया बना लेते हैं। ये दाल प्रेशर कुक होके रेडी हो गई है और ये देखिए अच्छे से गल गई है। अब इसको मथनी से मथ के एक रस कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा ये एक रस पसंद नहीं है तो आप इस तरह से थोड़ी खड़ी भी रख सकते हैं। तो इसको मथ के एक रस कर देंगे। टमाटर भी इसके अंदर अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे और फिर इसको उबालने के लिए रखते हैं। दाल को अपने कढ़ाई में ले लिया है और इसके अंदर अभी थोड़ा और पानी डालेंगे। ये दाल अभी थोड़ी पतली ही रखेंगे क्योंकि इसके अंदर अपने को वो आटे की टिकिया डाल के उसको भी उबालना है, तो थोड़ा पानी ज़्यादा डालेंगे। और अभी इसको रख दिया है गैस के ऊपर उबलने के लिए। और इसके साथ साथ इसमें मसाले करते जाएंगे, तो नमक डाल देंगे स्वादानुसार। और अब इसके अंदर ये मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, ये सब भी 1-1 टीस्पून है, और इसको भी इसी टाइम डाल देते हैं। और अब इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे और अब अपने टिकिया बनाने की तैयारी करते हैं।
ये अब अपनी सारी जो दाल ढोकली की ढोकली है वो इस तरह से मैंने कर ली है, और कुछ इसे ऐसे मैं सीधी डालूंगी प्लेन। और ये मेरी दाल बॉईल होने के लिए रखी थी, दाल बॉईल हो चुकी है, आँच को पहले कर देंगे एकदम फास्ट। और उसके अंदर सबसे पहले तो ये डालते हैं अपने एक चम्मच देसी घी। घी डालने से टिक्किया जब डालेंगे तब चिपकेगी नहीं, और ये अपने उबलती हुई दाल में ही टिक्किया डालनी है तो इससे टिक्किया भी नहीं चिपकेगी और इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलता है। तो बस इस तरह से अपने सारी टिक्किया को दाल के अंदर डाल देंगे। तो ये मेरी गई शेप वाली और ये जा रही है प्लेन वाली, और इसको अच्छे से हल्के हाथ से इस तरह का ही ये कड़छा इस्तेमाल करें ताकि चलाते टाइम ये आटा भी डाला है तुरंत मतलब तो चिपक के ये इसमें अंदर मिक्स नहीं हो जावे। और इसको बस पहले तो अभी फास्ट आंच पे ही 4-5 मिनट रखेंगे और उसके बाद स्लो आंच पे इसको पकने देंगे जब तक, और ये पक जाएगी तो ऊपर फ्लोट करने लगेगी। तो बस अब इसको अपने पकने देते हैं। अपनी ये दाल को उबलते हुए पहले 5 मिनट फास्ट और फिर धीमी आंच पे कर दिया था, सब मिला के 15 मिनट में ये देखिए हो गई है। इसको कर देते हैं बंद गैस को, और ये देखिए सारी ऊपर इस तरह से आ गई हैं, और ये दाल की कंसिस्टेंसी अभी इस तरह से है। अभी ये 10-15 मिनट बाद एकदम गाढ़ी हो जाएगी, तो आपको उस तरह से कंसिस्टेंसी सेट करनी है। थोड़ा लेट खाना हो तो थोड़ा इसे और पतली कंसिस्टेंसी सेट करें। और मैंने तड़के अब तड़का लगाएंगे तो इसके लिए मैंने तेल और उसके अंदर पहले लहसुन डाल दिया है ताकि लहसुन थोड़ा सा कुक हो जाए। और ये अपना लहसुन थोड़ा हल्का सा लाल हो गया है, और अब इसी टाइम अपने डाल देते हैं इसके अंदर ये राई और जीरा, और इसको होने देते हैं क्रैकल बढ़िया सा। और उसके बाद उसके अंदर अपने ये हींग और कश्मीरी लाल मिर्च है ताकि कलर बढ़िया सा मिले, और ये कुछ हरी मिर्च डालेंगे, बड़े टुकड़े डालेंगे ताकि किसी के बाइट में ना जाए, टेस्ट भी आ जाए बाइट में भी ना जाए, नहीं तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। और बस ये अपना तड़का हो रहा है क्रैकल, और अब इसके अंदर पहले डाल देंगे, गैस की आंच को कर देते हैं बंद, पहले डाल देते हैं ये मिर्ची, और उसके बाद में डाल देते हैं हींग और कश्मीरी लाल मिर्च, और ये गया अपना तड़का। और तड़का डालने की पहले तो इसको कर देते हैं बंद। ये दाल ढोकली के ऊपर गया बढ़िया सा फ्रेश धनिया, तो ये अब अपनी दाल ढोकली बढ़िया सी बन के रेडी है, एकदम हेल्दी यम्मी डिश। इसको कहीं कहीं पे दाल का दूल्हा भी बोला जाता है। तो ये इस तरह से देखिए बढ़िया सी, ये एकदम बनाने में आसान और हेल्दी भी टेस्टी भी। तो बस इसको गर्मा गर्म एंजॉय करते हैं। इसको खाते टाइम इसके अंदर ऊपर से डाल देंगे देसी घी, तो इससे बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। ये फ़िलहाल अपना गया देसी घी, और बस एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म। और जहाँ तक हो सके दाल ढोकली में बस ऐसे सिंपल खाने की कोशिश करें, इसमें ज़्यादा मसाले ना डालें, गरम मसाला और इस तरह से, क्योंकि ऐसे सिंपल खाने में बहुत लाजवाब लगती है। आपको अब मैं चला के भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए अपनी बढ़िया सी दाल ढोकली अभी तो जस्ट बनी है, अभी पड़ी पड़ी और गाढ़ी होगी। तो बस एंजॉय करते हैं, आप भी बनाएं खाएं खिलाएं, हैव अ नाइस डे। और अब अपनी ये दाल ढोकली को मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है, और अब अपनी ये दाल ढोकली या दाल का दूल्हा सर्व होके रेडी है, रेडी टू ईट। बस इसको गर्मा गर्म एंजॉय करें। ये दाल ढोकली को गुजरात में दाल ढोकली और यूपी में गांव में इसको दाल का दूल्हा बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा प्लीज़। मेरे वीडियो को इसी तरह से देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय से मिल जाए। थैंक यू।